स्टूडेंट्स, हम लोग ये कक्षा 12 में जो आपकी पहली स्टोरी है द गोल्ड वॉच पंजीकारा रफी की लिखी हुई, इसका हम लोगों ने एक पार्ट पढ़ लिया था। ठीक है, ये उसी द गोल्ड वॉच का दूसरा पार्ट है। तो पहले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक फैक्ट्री वर्कर जो अपनी समस्याओं से बहुत ग्रसित था, एक रुपये एक दिन का मिलता था, दो बच्चे थे, खुद बीवी और बीवी पुनः प्रेग्नेंट, तो इस तरीके की दशा, मतलब जिसके घर में तीन बच्चे हो और वो पांच लोगों का परिवार उसके साथ में, उसकी माँ थोड़े दिन पहले एक्सपायर हुई थी तो उसकी बरसी में भी उसने पैसा खर्च किया, तो इस तरीके से वो काफ़ी पैसा उसने उधार लिया था। जब वो एक दिन, मतलब अक्सर ऐसा होता है जब हम समस्याओं से घिरे हुए होते हैं तो रात के समय जब हम बिस्तर पर लेटते हैं तो सारी समस्याएं हमको याद आती हैं, तो नींद भी नहीं आती है। तो इसी तरीके से शंकु को भी उस रात नींद नहीं आई, एक रात वो बिस्तर पर लेटा लेकिन उसको नींद नहीं आती है। तो जब उसको नींद नहीं आई फिर भी अब वो बड़े बड़े सोच रहा है, तो सोचने में उसने पहले तो ये सोचा कि एक ऑफिस था उसका, उसके ऑफिस में जो इंजीनियर आता था वो सोने की घड़ी पहनता था, ठीक है, और उस सोने की घड़ी के साथ साथ जो उसकी सोने की घड़ी थी उसमें सोने की चैन लगी हुई थी, तो हिसाब लगाता है, कहता है कि ऑफिस के पास में कोई होता भी नहीं, अगर मैं उस घड़ी को चुराना चाहूँ तो आराम से घड़ी को चुरा सकता हूँ, वो अपना पूरा हिसाब लगाता है। उसके बाद में वो पूरा अपना हिसाब लगाता है कि उसने कितना पैसा उधार लिया है, तो सब उसने जब जोड़ा था तो जोड़ने के बाद में उसको 22 रुपये 13 पैसे उसको ज़रूरत थे, ठीक है, और उसको जो सैलरी में मिलने वाला था वो 8.5 रुपये था। तो हिसाब लगाता है, अब वो पूरा समस्या कि इधर उधर सारे लोग उसको, जब कर्जदार जो थे जिनका वो कर्जदार था वो सारे उससे पैसे मांगेंगे, किस तरीके से वो उनको चुकता करेगा, ये सारी चीज़ें वो हिसाब लगा रहा था। तो अंत में उसने ये डिसाइड किया कि कल वो घड़ी को चुरा लेगा, घड़ी चुरा लेगा और बेच लेगा। तो बेचने पर वो हिसाब लगाता है, कहता है 20 रुपये की हो जाएगी, नहीं भी इसकी 15 को तो हो ही जाएगी, जब 15 की भी अगर हो गई तो 15 रुपये वो 8 रुपये उसको सैलरी 8.5 रुपये मिलेगी, सब मिला के 23.5 रुपये हो जाएंगे, उसमें से 22 रुपये 13 पैसे जो चुकता करने वो चुका देगा, उसके बाद में उसको थोड़ा बच जाएगा, ठीक है, और इस तरीके से वो कर्ज फ्री जिंदगी को बिता सकेगा। जब ऐसी सोचा, मतलब ऐसे उसने सोचा तो अंत में उसको थोड़ी राहत मिलती है और वो पेट के बल लेटकर अपनी चटाई पर सो जाता है। अगले दिन जब सुबह हुई तब क्या हुआ, अब हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है, चलिए। ये रही शंकु की फैक्ट्री और ये रहा शंकु का ऑफिस, मतलब जहाँ शंकु का इंजीनियर बैठता था वो ऑफिस, और ये रहे शंकु का परिवार, ठीक है, मियाँ बीवी और दो बच्चे, ठीक है, और ये तीसरा बच्चा उसका आने वाला था, मैंने पिक्चर इसमें डाल दी थी ताकि आप लोग इसको समझ सकें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं उस वीडियो के आगे का, कि सुबह जब जागता है तो क्या होता है, मतलब रात में जब वो लेट जाता है, सो जाता है, और सुबह क्या होता है, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इट वॉज मॉर्निंग, सुबह हो गए, मतलब रात को जब वो लेटा था तो सारी समस्याओं का निदान उसने पाया कि घड़ी को चुरा लेने के बाद में वो अपनी कर्ज फ्री जिंदगी को जी पाएगा, तो ऐसी राहत की सांस लेने के बाद में फिर वो क्या करता है, सो जाता है। अब इट वॉज मॉर्निंग, सुबह, इट वॉज ये थी मॉर्निंग, सुबह, सुबह हो गए, सुबह हो गए, फिर क्या, वाट आर यू नॉट, वाट आर यू स्टिल स्लीप, आई स्लीप, वाट, क्या, आर यू स्टिल, क्या तुम हो स्टिल अभी तक एस्लीप, नींद में, क्या तुम अभी तक नींद में हो, संकुज वाइफ, शंकु की पत्नी ने सेड कहा, तो शंकु की पत्नी ने कहा, कैसे, जेंटली, आराम से, शेकिंग, हिलाते हुए हिज शोल्डर्स, उसके कंधों को, मतलब शंकु के कंधे को पकड़कर उसकी बीबी ने आराम से हिलाया और कहा, क्या तुम अभी भी सो रहे हो, इट इज लॉन्ग, लंबा हो गया है, आफ्टर सनराइज, सूर्योदय हुए, तो सूर्योदय हुए लंबा समय हो गया है, तुम अभी भी सो रहे हो, कैसे वो आराम से हिलाता है, वो बहुत आराम से कंधे पकड़ कर, अरे सुनो, क्या तुम अभी भी सो रहे हो, सुबह हुए बहुत देर हो गई है, शंकु रेस्ट, शंकु ने उठाया हिज हेड, अपना सिर एट वंस, एक बार, तो शंकु ने अपना सिर एक बार उठाया, अब रात में देर तक जगा था,
तो उसने अपना एक बार अपना सिर उठाया, हिज वाइफ तो उसकी पत्नी ने पिक्ड अप उठा लिया द यंगर चाइल्ड छोटे वाले बच्चे को, तो उसकी पत्नी ने छोटे वाले बच्चे को उठा लिया, मतलब वहां चटाई पर वो लेटा हुआ था उसी के पास में जाकर कंधा पकड़कर हिलाया, अरे उठो अब तो बहुत देर हो गई है, तो शंकु अपना सिर उठा के बैठा, थोड़ा उठा जगा होगा, अब उसकी वाइफ वहीं पर बैठ गई होगी, तो जब बैठ गई होगी तो उसका जो छोटा वाला बच्चा था, छोटा बच्चा जो था उसको उसने उठा लिया, अब ये छोटा बच्चा क्या कर रहा था, हु वाज क्राउलिंग अप, क्राउलिंग अप जो चढ़ रहा था, रेंग कर चढ़ रहा था टू हर उसके ऊपर, तो कहता है कि जो बच्चा मतलब छोटा वाला जो बच्चा उसके ऊपर रेंग कर चढ़ रहा था उसकी पत्नी ने उसको गोदी में उठा लिया, एंड आस्क्ड और पूछा शंकु, शंकु से और शंकु से पूछा, क्या पूछा, डोंट यू हैव टू गो टू वर्क टूडे, डोंट यू हैव, क्या तुम नहीं रखते हो, मतलब क्या तुम्हें नहीं, हैव टू गो जाना है, क्या तुमको जाना नहीं है टू वर्क काम पर टूडे आज, क्या तुमको आज काम पर नहीं जाना है, मतलब क्या काम पर नहीं जाओगे, ओ यस, अरे हाँ, ही सेड, उसने कहा अरे हाँ जाना तो है, एंड गॉट आउट और गॉट आउट उठ गया ऑफ द बेड बिस्तर से, और बिस्तर से बाहर आ गया मतलब बिस्तर से उठ गया, ही स्टेप्ड डाउन उसने कदम रखा इन टू द कोर्टयार्ड आंगन में, तो उसने अपने आंगन में कदम रखा, ठीक है, अब ये कोर्टयार्ड में कौन कौन सी चीजें थी, इन ए हरी जल्दी से, तो उसने जल्दी से अपने आंगन में कदम रखा मतलब बिस्तर से उठा और उठने के बाद में अपने आंगन में तुरंत निकल गया, अब वॉचिंग देखते हुए द गोल्डन रेज ऑफ मॉर्निंग सन, देखते हुए गोल्डन रेज सुनहरी किरणों को ऑफ मॉर्निंग सन सुबह के सूर्य की, तो सुबह के सूर्य की सुनहरी किरणों को देखते हुए जल्दी से वो आंगन में आ गया, अब ये जो मॉर्निंग सन था ये कहां सा था, परसिंग बेध कर आ रही थी द लस झुंड को बंबू बांस के फोलाइस स्तंभ, तो कहता है बांस के स्तंभों के झुंड को भेद कर जो सुबह की सूर्य की किरणें सुनहरी किरणें जो आ रही थी उनको देखते हुए वो अपने आंगन में आ गया, ऑन द ईस्टर्न साइड पूर्वी दिशा से, एंड ब्राइटनिंग और चमक रही थी द ओल्ड पाम लीफ थेस्ट, द ओल्ड पुराने पाम के लीफ पत्तियों को थेस्ट छप्पर, तो कहता है कि पुराने पाम लीव के छप्पर पर चमक रही थी और पूर्वी दिशा से आ रही थी, किससे होकर, बांस के झुरमुट से होकर, अब ये आप कल्पना करें हिसाब लगाएं, जैसे मान लो ये शंकु का घर है, ये शंकु का घर है, मान लो ये शंकु का घर है और इसके आगे पूरा ये उसका आंगन पड़ा हुआ है, ठीक है, यहां पर बांस के पेड़ हैं, ये इस तरीके से बांस के पेड़ है, ठीक है, और यहां पर सुबह सुबह सूर्य निकला, क्या होगा, ठीक है, अब यह सूर्य की किरणें जब इसके बीच से होकर आएंगी और कहां पड़ेंगी, इसके छप्पर पर पड़ेंगी, ठीक है, तो शंकु अपने घर से निकला आंगन में आया और आंगन में आकर उसने बांस के बीच से होकर आने वाली सुबह के सूर्य की सुनहरी किरणों को देखा, कहां पर, जो पूर्वी दिशा से होकर पूर्वी दिशा से आ रही थी और बांस के जो झुरमुट लगा हुआ था उसके बीच से उसको बेध कर आकर और उसके जो पुराना पाम का छप्पर बना हुआ था, पाम की पत्तियों का जो छप्पर बना हुआ था उस छप्पर पर चमक रही थी, उन किरणों को उसने देखा, ठीक है, आगे ही वास्ट हिज फेस, नहाया नहीं देखो, ही वास्ट उसने धोया हिज फेस अपना चेहरा एंड हैंड्स और हाथ, तो उसने अपना हाथ मुंह धोया एज यूजुअल आमतौर पर मतलब रोज की तरह, तो आमतौर की तरीके से मतलब अक्सर ऐसा ही होता था यार, तो कहता है कि अक्सर की तरीके से उसने अपना हाथ मुंह धोया, पुट ऑन पहना हिज वर्किंग क्लोथ्स अपने काम करने वाले कपड़े मतलब फैक्ट्री वाले कपड़े पहने, एंड वाज और था अबाउट टू लीव छोड़ने वाला मतलब जाने वाला था और जाने वाला था फॉर हिज फैक्ट्री अपनी फैक्ट्री को, तो कहता है कि और अपनी फैक्ट्री को जाने वाला था, वेन हिज वाइफ सेड जब उसके पत्नी ने कहा, ठीक है, मतलब हाथ मुंह धोया ड्रेस पहनी और अपनी फैक्ट्री को जाने वाला था, तभी उसकी बीवी ने कहा, क्या कहा, लिसन
सुनिए, यू मस्ट बाय, तुमको खरीदना है सम ऑइंटमेंट, कुछ मलहम, तो तुम्हें कुछ मलहम खरीदना है। क्यों? फॉर द चाइल्ड, बच्चे के लिए। तो अब फैक्ट्री को जाने वाला था तो पत्नी ने आराम से कहा, सुनिए बच्चे के लिए थोड़ा मलहम आपको खरीद कर लाना है। सी थ्रू, उसने डाली एक कमांडिंग, कमांड करने वाली मतलब आदेश करने वाली लुक, नजर एट हिम, उस पर। तो कहता है मांग करने वाली एक नजर शंकु पर डालते हुए उसकी बीवी ने उससे कहा कि तुमको बच्चे के लिए एक मलहम लेते आना चाहिए। शंकु फेल्ट, शंकु ने महसूस किया, क्या महसूस किया, दैट की ईच ऑफ दी सोर्स, ईच प्रत्येक ऑफ दी सोर्स घाव, कि प्रत्येक फफोला, प्रत्येक घाव ऑन दी चाइल्ड्स बॉडी, बच्चे के फेस्टरिंग बॉडी, फेस्टरिंग फफोलेदार। तो कहता है कि फफोलेदार शरीर, बच्चे के फफोलेदार शरीर का प्रत्येक फफोला वाज था, स्टेरिंग, घूर रहा एट ही उसकी ओर, इन ए ग्रूसम वे, एक ग्रूसम वे गुर्राने वाले तरीके, मतलब क्या उसको कह सकते हैं, गुस्से के नजर से। तो कहता है गुस्से के नजर से बच्चे के शरीर पर, बच्चे के फफोलेदार शरीर से निकलने वाला प्रत्येक फफोला उसकी ओर गुस्से से घूर रहा था। शंकु ने ऐसा महसूस किया। अ मोमेंट पास्ट, एक क्षण गुजर गया इन साइलेंस, शांति में, पैसे थे नहीं, क्या रहेगा, तो एक क्षण फिर से शांति में गुजर गया। और शंकु ने पूछ दिया मूर्खों की तरीके से, व्हाट सॉर्ट, किस प्रकार का ऑफ ऑइंटमेंट, मलहम, तो किस प्रकार का मलहम लाना है। शंकु आस्क्ड, शंकु ने पूछा, लाइक ए फूल, एक मूर्ख की तरीके से। तो शंकु ने एक मूर्ख की तरीके से अपनी बीवी से पूछा किस तरीके का मलहम लाना है। तो बीवी कहती है ऑइंटमेंट फॉर द सोर्स, ऑइंटमेंट मलहम लाना है फॉर द सोर्स, फफोलों के लिए, तो ये छालों के लिए मलहम लाना है। कंटिन्यूड द वाइफ, कंटिन्यूड आगे कहा द वाइफ, पत्नी ने, तो पत्नी ने आगे कहा कि इन फफोलों के लिए मलहम लाना है। यू मीन, आपका तो ऐसा मतलब है कि यू हैव नॉट सीन, कि तुमने देखा ही नहीं है, मतलब आपका मतलब तो ये है कि तुमने देखा ही नहीं है द सोर्स, घाव, फफोले ऑल ओवर द चाइल्ड्स बॉडी, बच्चे के शरीर में, मतलब तुम्हारा खुद का बच्चा है, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपने अपने बच्चे के पूरे शरीर पर जो फफोले पड़े हुए हैं उन फफोलों को देखा ही नहीं है, मतलब इतने उसके बच्चे के शरीर पर फफोले पड़े हैं। और वो पूछ रहा है कि किस तरीके का मलहम लाना है। यस, हाँ, मतलब फिर कहता है हाँ देखा है। हाउ मैनी पैसे, कितने पैसे का वर्थ, कीमत होगी ऑफ ऑइंटमेंट, मलहम की, तो मलहम की कीमत कितने पैसे होगी, एट लीस्ट, कम से कम 13 पैसे, 13 पैसे वर्थ कीमत होगी, तो लगभग 13 पैसे कीमत होगी। वी मस्ट अप्लाई, हम अप्लाई कर लेंगे, हम लगा लेंगे इट, इसे फॉर 3 डेज, 3 दिन तक एट लीस्ट, कम से कम। तो कहता है कि और हम इसे कम से कम 3 दिन तक लगा भी लेंगे। ठीक है, शंकु बिगन, जैसे हमने कहता अच्छा अच्छा करने के लिए, शंकु बिगेन टू वॉक, शंकु चलने लगा विद बेंट हेड, सिर झुकाकर, तो शंकु सिर झुकाकर फैक्ट्री की ओर फिर से चलने लगा। बीवी ने फिर बुलाया, प्लीज, कृपया, मतलब फिर से बुलाया, सुनिए, सी कॉल्ड आउट, वह बुला पड़ी इन ए सॉफ्ट वॉइस, एक हल्की आवाज में, मधुर आवाज में, कोमल आवाज में। तो उसकी पत्नी ने पुनः एक कोमल आवाज में उसको बुलाया, प्लीज, फिर से सुनिए। शंकु लुक्ड बैक, शंकु ने पुनः वापस देखा, सी, उसने, वह स्पोक, बोली जेंटली, आराम से, वह फिर से आराम से बोली, ये यही तो प्रॉब्लम है, वो सुबह जगी थी तब बहुत आराम से बोली, क्या फैक्ट्री नहीं जाओगे, अभी जब जा रहा था तब पूछ रही थी एक मलहम लेते आना, अभी फिर से दोबारा पूछ रही है, फिर से आराम से बोल रही है, आराम से बोलने का मतलब कुछ लफड़ा है। प्लीज ब्रिंग, कृपया लेते आना